हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग एलएसटी वीडियो और दिस इज़ योर टीचर कृष्णा वशिष्ठ। जैसे कि मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम है फिजिक्स के ट्यूटोरियल हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं काफ़ी सारी। तो इस सिलसिले को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर, जैसे कि आपको पता ही है कि कौन सा चैप्टर मैंने चलाया हुआ है, हर दिन मैं इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों देखो, बात ऐसी है, घर के जैसी है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक तो हमने जितना भी डिस्कस किया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कुछ दिनों के बाद हम कैपेसिटेंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस चैनल का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिन जिनको भी फिजिक्स के लेक्चर्स की ज़रूरत है, जिनके पास पैसा नहीं है ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ जियो को रिचार्ज करा लेते हैं ओके, फ़ोन एक छोटा मोटा सा फ़ोन है और जियो का रिचार्ज कराया हुआ है, तो सारे दिन यूट्यूब पे और वीडियो देखने से बढ़िया है। तो भैया मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आइए देखिए मेरी वीडियो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप कहते हो सर हर टॉपिक आप इंटरेस्टिंग बोलते हो, तो बच्चों देखो फिजिक्स है ही ऐसी चीज़ कि हर चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग, हर चीज़ का एक लॉजिक है, हवा में चीज़ें नहीं उड़ाई हुई। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, द रिलेशन बिटवीन ई, आपको पता होगा ई क्या है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो ई के बारे में ही है। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वी क्या है, यहाँ पे वी यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी हमने पढ़ लिया। पोटेंशियल आपका एक प्रकार का वर्क डन होता है जो कि एक चार्ज को दूसरे चार्ज दूसरे पोजीशन तक ले जाने में हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। तो अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो मेरी पुरानी वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो बेसिकली ई और वी के बीच में रिलेशनशिप हम जो हैं बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखो सपोज करो मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है राइट डायरेक्शन में आपको जैसे दिख रहा है, और मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। बी पॉइंट पे मेरा चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ बी से ए की तरफ। बड़ा सिंपल है, बी से ए की तरफ चल रहा हूँ, मतलब मैं बी से चला और ए तक मैं जाना चाहता हूँ, ए मेरी एक डेस्टिनी है, ठीक है। और मैंने, मेरे को ये जो ए बी का गैप है ये है डी आर के बराबर, बड़ा ही स्मॉल है, ठीक है। डी आर मतलब ए, डी आर का मतलब है ए और बी इज़ क्लोजिंग अप्रोचिंग, दे आर नियर, इनके बीच में जो डी आर है वो इतना स्मॉल गैप है कि मतलब इतना स्मॉल गैप है कि मैं इतना स्मॉल ले रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर F इज़ इक्वल टू क्यू इन टू ई, है ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था E इज़ इक्वल टू F बाई क्यू। तो इस A पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी Q इन टू ई, और B पॉइंट के ऊपर भी हमारा फोर्स क्यू ई ही रहेगा। क्यों रहेगा आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, मैं कहूँगा बेटा ए और बी इतना क्लोज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए और बी, ए से बी तक जाने में चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि ये जो फोर्स आप देख पा रहे हो, ये फोर्स किसकी वजह से क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट होती है। ये वाली फोर्स किसकी वजह से क्रिएट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो सेम ही फोर्स क्रिएट होगी चार्ज के ऊपर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है डी आर, इट इज़ ए स्मॉल, और इतना स्मॉल है दे आर अप्रोचिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो, इज़ दैट क्लियर। तो भाई जरा मेरे को एक बात बता दो, चार्ज को बी से ए तक की तरफ लेके जा रहे हो आप, तो वर्क डन हम निकालेंगे यहाँ पे बड़े आराम से। तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी, सॉरी नॉट पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट है ना मेरे पास ए और बी,
तो वी ए माइनस वी बी, और वर्क डन है आपका बी से ए हमने वर्क किया है अपॉन में किस चीज़ के ऊपर वर्क हुआ है, चार्ज के ऊपर वर्क हुआ है, तो पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं, तो वी ए वी ए माइनस वी बी, इसको मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू, इस वाली क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ डी वी, चेंज ऑफ पोटेंशियल लिख सकता हूँ बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो डी वी हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू। आप कहोगे सर वर्क डन, तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, वर्क क्या होगा बी से ए तक जाने में, क्योंकि फोर्स चेंज नहीं हो रही है, फोर्स इज़ कांस्टेंट, बी पे भी फोर्स सेम है, ए पर भी फोर्स सेम है, तो फोर्स चेंज नहीं हो रही है, तो कितना होगा जल्दी से बता दो बता दो। किसी की आवाज़ आई, एफ और जितना इनके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है डी आर, और एंगल कोस थीटा बाई में क्यू। अब भैया सारी लड़ाई थीटा की है, मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो एंगल कितना बना, बड़े सिंपल तरीके से आप बता पा जाओगे, बिल्कुल एंगल यहाँ पे कितना बना जरा बताओ, 180, कितना बना 180। तो भैया 180 का एंगल बन गया है, और कोज 180 कितना होता है ज़रा बताना, कोज 180 होता है माइनस वन, तो ये हो जाएगा एफ डी आर बाई में क्यू। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पोज करो देखो, पोज करो देखो, मेरे हिसाब से तो 99.9% आपकी प्रॉब्लम हट जानी है। ठीक है, तो भैया मेरा एक रिलेशन ये आया, डी वी इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर बाई में क्यू, और एफ़ की वैल्यू क्या है ज़रा बताओ, फोर्स की वैल्यू तो पता है ना आपको, क्यू ई स्टार्टिंग में लिखा था मैंने। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ फोर्स की डायरेक्शन, वो नॉट फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स आपका क्यू ई, या तो ये फोर्स ले लो या ये फोर्स ले लो, कोई सी भी फोर्स ले लो, दोनों सेम ही हैं, आप अपनी मर्जी से चूज़ कर लो कोई भी जो आपको अच्छी लगती है उठा लो। Q से Q कैंसिल, क्या बना डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, तो E कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, E हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। आ गई रिलेशनशिप, आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा, अगर आप बुक में देखोगे तो शायद वहाँ पे इतना समझ में ना आए, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और ये डेरिवेशन आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, और इस डेरिवेशन को देख सकते हो, E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्टेंट है। आप कहोगे सर कैसे, तो भैया न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये जो माइनस साइन आपको दिखाई दे रहा है कि भाई E जो है वो माइनस क्यों है यहाँ पे, तो भाई इसका जो रीज़न है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, और फाइनली वो डिक्रीज होगा। आई बात समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के ऊपर क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये चीज़ डाउन में जाएगी तो ये चीज़ अप जाएगी, और ये चीज़ अगर अप जाएगी तो ये चीज़ डाउन चली जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और है, इस वाली रिलेशन से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कैसे, कि पोटेंशियल भी नेगेटिव है यहाँ पे, याद रखना इस चीज़ को, पोटेंशियल क्यों नेगेटिव है, मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी में हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि मान लो एक मेरे पास एक वायर है ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पर 100 वोल्ट है, पोटेंशियल को वी से दिखाते हैं, वोल्ट से शो करते हैं, हो सकता है कि पोटेंशियल यहाँ पे फोल हो जाए, 50 हो जाए, हो सकता है पोटेंशियल यहाँ पे 40 हो जाए, हो सकता है पोटेंशियल यहाँ पे 30 हो जाए, और फाइनली वो जीरो भी हो सकता है। तो मतलब अगर एक कंटिन्यूसली मेरे पास वायर है, इसका एक एंड फुल पोटेंशियल पे है, दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो है पर यूनिट लेंथ चेंज होता है, याद रखना इस चीज़ को।
ठीक है ना। तो इस चीज़ में पोटेंशियल आप रिलेशन देख पा रहे हो, पोटेंशियल चेंज और पोटेंशियल माइनस में चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही माइनस होते हैं, डिक्रीज होते हैं, अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सपोज करो एक अगर नॉर्मली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। डी आर की वैल्यू दे दी यहाँ पे इन्होंने 20, ठीक है। ई की वैल्यू दे दी यहाँ पे 200, तो डी वी कितना हुआ? तो डी वी निकाल सकते हैं हम, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, हमें पता होता है, हमने निकाला अभी अभी। तो माइनस ई कितना है 200 और डी आर कितना है आपका 20, तो कितना हुआ ये माइनस 4000 वोल्ट। 4000 वोल्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे 4000 वोल्ट है और यहाँ आते आते वो बिल्कुल क्या हो गया, ज़ीरो वोल्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो। आई बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं दोस्तों। और यहाँ पे टॉपिक हुआ हमारा ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक न्यू टॉपिक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ लेके आऊँगा, आपको लेके नहीं आऊँगा यार, एक वीडियो लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ फॉरवर्ड करो दूसरे दोस्तों को, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, ठीक है। बस यही है, ठीक है, आज मैंने पहले लिखा हुआ था। ओके, सो गाइज, दिस इज़ कृष्णा वसीस साइनिंग ऑफ नाउ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।